मोदी जी का आह्वान है, प्रधानमंत्री जी का, कि हर घर तिरंगा फहरना चाहिए। इस वजह से आज तिरंगा कावड़ यात्रा पुष्कर से लेकर अजमेर और ये किसान तक हम लेके जा रहे हैं। भाजपा जनप्रतिनिधियों की तिरंगा कावड़ यात्रा पुष्कर सरोवर का पूजन कर निकली पुष्कर से। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत तिरंगे झंडे के साथ पवित्र जल लेकर अजमेर से किशनगढ़ पहुंचेंगे सांसद और विधायक। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी के सांसद भागीरथ चौधरी, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, अजमेर दक्षिण विधायिका अनीता बदेल के साथ किशनगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष और विभिन्न जनप्रतिनिधि, पार्षद व सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा ध्वज लिए पवित्र पुष्कर सरोवर की विधिवत पूजा अर्चना के साथ पुष्कर सरोवर का जल लेकर वंदे मातरम और हर हर गंगे के जयघोष के साथ पुष्कर से रवाना हुए। सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक अनिता बदेल ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा और हर हर महादेव सावन के इस माह में इससे बढ़िया आध्यात्मिक और देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम कोई और नहीं हो सकता। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश राष्ट्रीयता के रंग में रंगने जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश भर के घर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा और यह तिरंगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करेगा। आज भाजपा के जनप्रतिनिधि द्वारा पुष्कर पूजन कर कावड़ यात्रा शुरू की गई है, जो पुष्कर से शुरू होकर अजमेर होते हुए किशनगढ़ पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का संकल्प भी लिया गया है। पूरे रास्ते भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि वंदे मातरम और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए निकले तो जगह जगह कावड़ियों का स्वागत भी किया गया। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सावन मास के इस परसों आखिरी सोमवार है, उसके लिए जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर सरोवर से तिरंगा कावड़ यात्रा लेकर हम पुष्कर से अजमेर होते हुए किशनगढ़ जा रहे हैं। इसमें सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी पार्टी के पदाधिकारी गण हैं, सभी कार्यकर्ता गण हैं और इस देश को 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो मना रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा फहरना चाहिए। मैं और हम सभी ये चाहते हैं कि शायद इससे बढ़िया कोई कांवड़ यात्रा और वही तिरंगा कांवड़ यात्रा लेकर हमारा तिरंगा आन बान और शान की निशानी है। हर घर में तिरंगा फहरना चाहिए। जब तक हर भारतीय के अंदर राष्ट्रता की भावना नहीं होगी तब तक ये देश परम वैभव पर नहीं पहुंच सकता है, ये खुशहाल राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए मोदी जी का आह्वान है प्रधानमंत्री जी का कि हर घर तिरंगा फहरना चाहिए। इस वजह से आज तिरंगा कांवड़ यात्रा पुष्कर से लेकर अजमेर और ये किसान तक हम लेके जा रहे हैं। मैं यही आम जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त जो आ रहा 75 वर्ष हमारे अमृत महोत्सव है, हमारे देश को आज़ाद हुए, हर घर में तिरंगा फहरना चाहिए और हमारे राष्ट्रता की भावना हमारे हर घर में होना चाहिए ताकि ये देश परम वैभव पर पहुँचे। देखिए, हम 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। ये हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव कह सकते हैं। इस अमृत महोत्सव पर देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना का जागरण हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा फहरे इसका आह्वान पूरे देश भर से किया है। हमें मालूम है 1857 में जब मंगल पांडे जी ने पहली बार क्रांति का आगाज किया था, तब हमारे हिंदुस्तानी सैनिक मारे जा रहे थे तो जो देखने वाले थे वो तालियां बजा रहे थे। अंग्रेज जब मारे जा रहे थे तभी भी देखने वाले तालियां बजा रहे थे, उनको ये आभास ही नहीं था कि हम किसके लिए तालियां बजा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रीय चेतना नहीं थी। इस राष्ट्रीय चेतना के ना होने के कारण से हिंदुस्तान पूरे 200 वर्ष तक गुलाम बना रहा, लेकिन अब हिंदुस्तानियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो, राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य बहुत दृढ़तापूर्वक वो निभाएं, इस बात के प्रतिज्ञा के साथ में हर घर तिरंगा ये 15 अगस्त को फहराने का जो आह्वान हुआ है, उस आह्वान को यानी पुष्कर के पवित्र सरोवर के जल के साथ तिरंगा यात्रा निकालते हुए और फिर घर जाकर के फहराए,
तो इसका आनंद ही कुछ और होता है। एक तरफ आध्यात्मिक पवित्रता है, पूरे विश्व भर का पवित्र पुष्कर सरोवर जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी विराजते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेकर के यदि ये कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया जा रहा है वो उद्देश्य न केवल पूर्ण होता है बल्कि सफल भी होता है। इसलिए इसी संकल्प के साथ आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किशनगढ़ के, पुष्कर के और बाकी जगहों के भी, पूरे अजमेर के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं।